और अब खबर जयपुर से, जहां भाजपा विस्तारकों की बैठक शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि भाजपा मुख्यालय में प्रदेश भर के विस्तारकों की बैठक शुरू हो चुकी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ये बैठक ले रहे हैं और लोकसभा चुनाव की सफलता पर यहां पर धन्यवाद दिया जाएगा। आगामी पंचायत व निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भी यहां पर चर्चा हो रही है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में ये बैठक चल रही है। आपको जयपुर से खबर बता रहे, जहां पर भाजपा विस्तारकों की बैठक यहां पर शुरू हो चुकी है। आगामी पंचायत व निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भी यहां पर चर्चा की जाएगी। जयपुर से खबर, जहां भाजपा विस्तारकों की बैठक शुरू हो चुकी है। भाजपा मुख्यालय में प्रदेश भर के विस्तारकों की ये बैठक चल रही है, शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ये बैठक ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव की सफलता पर यहां पर धन्यवाद भी दिया जाएगा और ये बैठक शुरू हो चुकी है। आगामी पंचायत व निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भी यहां पर चर्चा की जाएगी। आपको जयपुर से खबर बता रहे, जहां भाजपा विस्तारकों की बैठक शुरू हो चुकी है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी पिंटू, बताइए, बैठक शुरू हो चुकी है, किन मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाएगी? देखिए लविना, विस्तारक योजना भारतीय जनता पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महत्वाकांक्षी योजना रही है जी। ये पूरा एक प्रकार से जो बीजेपी की जो कैंपेन का तरीका था, ये पूरा विस्तारकों पर टिका हुआ था और बीजेपी इसे अपनी बैकबोन मानती थी। पूरे कुल 165 विस्तारक प्रदेश में थे, जो पूरे प्रदेश में घूमते थे, उनको अलग अलग विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई थी और वो वहां जाकर अपनी पार्टी की रीति नीति लोगों के बीच रखते थे, आम जनता के बीच जाते थे और क्या उनका जो मन टटोलने का काम करते थे और पार्टी की विचारधारा से उन लोगों को अवगत कराते थे। काफी हद तक विस्तारक योजना का भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला है और इसी को देखते हुए लोकसभा चुनाव में जो भारी सफलता मिली। एक मैं आपको अपडेट करना चाहूंगा लविना, जब विधानसभा चुनाव में हालांकि प्रदेश में फिर से सरकार नहीं बना पाई बीजेपी, लेकिन बीजेपी अपने आप को जो 73 सीट यहाँ पर आई, 73 सीट जो आई, उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आती है कि जिस प्रकार से सरकार का यहाँ पर सरकार रिपीट नहीं होती है, लेकिन जो सत्ता विरोधी माहौल नजर आ रहा था और उसके दौरान भी 73 सीट इनको यहाँ पर मिली, जिससे भाजपा काफी संतुष्ट नजर थी और उनको यही मानने कर चल रहे थे वो कि ये जो उनको 73 सीट मिली है वो विस्तारकों के भरोसे मिली है और लोकसभा चुनाव में भी विस्तारकों का काफी अच्छा काम रहा, जिसके लिए 25 की 25 सीटें यहाँ पर बीजेपी को हासिल हुई। उसी को देखते हुए आज विस्तारकों का यहाँ पर अभिनंदन किया गया है, विस्तारकों को बुलाया गया है कि आपकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही, तो एक प्रकार से उनको यहाँ पर अभिनंदन किया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है। साथ ही उनकी जो आगामी जो भूमिका रहेगी, अब उनकी क्या भूमिका रहेगी विधानसभा लोकसभा के बाद, उस पर यहाँ पर चर्चा होनी है कि सामने निकाय और पंचायत चुनाव आ रहे हैं, उनको लेकर भी इनको दिशा निर्देश देंगे कि क्या कुछ आगे इनकी भूमिका रहेगी। लेकिन कुल 165 विस्तारक थे, लेकिन 124 यहाँ पर पहुंच पाए, काफी कुछ अपने निजी काम के चलते नहीं पहुंच पाए। मदन लाल सैनी ने अपने संबोधन में काफी तारीफ उनकी की कि कहा कि आपकी मेहनत की बदौलत यहाँ पर कांग्रेस जीरो पर आउट हुई है, एक नया यहाँ पर इतिहास कह सकते हैं, क्योंकि पहली बार प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी को एक भी लोकसभा में सीट नहीं मिली, ये एक महत्वपूर्ण यहाँ पर इस बैठक में रहा। जी रवीना जी, पिंटू ये बताएं कि ये बैठक अभी चल रही है, तो क्या जानकारी मिल रही है, कब तक चलने वाली है बैठक? करीब 2 घंटे तक जो संगठन महामंत्री चंद्रशेखर है वो विस्तारकों से संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे और राष्ट्रीय जो सह संगठन मंत्री है वी सतीश, वो भी उनका भी संबोधन होगा और प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी का संबोधन हो गया और वो किसी निजी काम से बाहर निकल गए हैं। मैं आपको बता दूं लविना कि विस्तारकों को पूरी तरह से संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के दिशा निर्देश पर ही वो काम कर रहे थे। जी पिंटू, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें, भाजपा विस्तारकों की बैठक यहाँ भाजपा मुख्यालय में शुरू हो चुकी है और लोकसभा चुनाव की सफलता पर यहाँ पर धन्यवाद दिया जा रहा है। कई दिग्गज भी इस बैठक में मौजूद हैं। आगामी पंचायत व निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी।